बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट मॉलिक्यूल, उसकी टाइप्स, कैटेगरीज, ठीक है। आज जो हमारा लेक्चर है उसमें हम आयन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। सबसे पहले हमने एटम को डिस्कस किया, उसका एविडेंस डिस्कस किया, उसके बाद हम मॉलिक्यूल पे आ गए। मॉलिक्यूल की फिर हमने वन बाय वन कैटेगरीज, टाइप्स देखी, कौन कौन सी बेस में हम करते हैं और कितनी हमारे पास टाइप्स होती हैं, और उसके बाद आज हम डिस्कस करने वाले हैं आयन। वेरी इजी टॉपिक। अब सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे कि हमारे पास आयन होता क्या है। एनी स्पीशी विच कैरी सम काइंड ऑफ चार्ज, कोई भी ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट हो उसे हम क्या कहेंगे, आयन कहेंगे। अगर मैं यहां पे लिखता हूं सोडियम Na, क्या ये आयन है? तो आप सबसे पहले इसके ऊपर देखेंगे क्या कोई चार्ज है। इसके ऊपर तो मैंने कोई चार्ज नहीं लगाया, तो ये आयन नहीं है। अगर मैं सोडियम को इस फॉर्म में लिखूं, इसके ऊपर एक डॉट है, क्या ये आयन है? इसके ऊपर कोई चार्ज है? नहीं, ये तो एक फ्री डॉट है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये फ्री रेडिकल होगा, आयन नहीं होगा, तो ये भी आयन नहीं है। अगर मैं इसको लिखूं Na+, तो अब इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इसने एक चार्ज कैरी किया हुआ है, जिसकी बेस पे हम इसे क्या कहेंगे, आयन कहेंगे। तो एनी स्पीशी विच कैरी सम चार्ज इज कॉल्ड एज आयन। तो चार्ज हमारे पास दो तरह की होती है, मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव। अगर तो हमारे पास आयन ऐसा है जिसने पॉजिटिव चार्ज कैरी किया हुआ है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कैटाइन बोलेंगे। अगर आयन ने नेगेटिव चार्ज कैरी किया हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एनायन बोलेंगे। तो यहाँ पे मैंने कैटाइन और एनायन की डेफिनेशंस और एग्जांपल्स दोनों जो है वो पुट कर दिए। कैटाइन की डेफिनेशन क्या बनेंगे स्टूडेंट्स, आयन्स विच कैरी पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड एज कैटाइन, एंड द आयन्स विच कैरी नेगेटिव चार्जेस आर कॉल्ड एज एनायन्स। तो जितने भी हमारे पास मेटल्स हैं, तो सबसे पहले मैं आपको एक ग्रुप की एग्जांपल दे देता हूँ। पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा हुआ है, आपने एक सीरीज पढ़ी होगी हाल ही ने की रब से फरियाद, तो उसमें हाइड्रोजन को निकाल के पीछे जितना भी आपका बचता है, हाइड्रोजन को निकालने के बाद लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, तो ये सब के सब मेटालिक आयन्स क्या बनाते हैं, मेटालिक एटम्स आयन्स बनाते हैं। Na+, K+, सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, इसी तरह मैग्नीशियम 2+, एल्यूमिनियम 3+। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चार्ज 1 से ग्रेटर भी हो सकता है, 1+, 2+, 3+। सिमिलरली जब हम माइनस चार्जेस की बात करेंगे, तो 1-, 2-, 3-, यानी ग्रेटर देन द 1, एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो आयन्स कौन कौन से नेगेटिव चार्ज को कैरी करते हैं, जो नॉन मेटेलिक होते हैं। कैटाइन्स कौन से होंगे, मेटेलिक, और एनायन्स कौन से होंगे, नॉन मेटेलिक। ठीक है बेटा, ये आप लोग याद रखिएगा कि जो हमारे पास पॉजिटिव आयन्स यानी कैटाइन्स होते हैं, वो मोस्टली मेटेलिक एटम से बनते हैं, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम एटसेट्रा। इसी तरह जो एनायन होंगे वो किससे बनेंगे, नॉन मेटेलिक से, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन, सिमिलरली फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना पसंद करूंगा, आप लोगों ने ऑलरेडी इसको डिस्कस भी किया हुआ है, ऑक्टेट रूल क्या होता है। हर एलिमेंट अपने वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रखने की स्ट्रगल करता रहता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स। उसे अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करने के लिए क्या करना होता है, अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं, टू अटेन इट्स स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होती है, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। तो यही रीजन होगी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कैटाइन एंड एनायन। तो अब हम मूव कर रहे हैं रीजन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कैटाइन एंड रीजन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनायन। तो सबसे पहले हम कैटाइन को डिस्कस करते हैं। तो देखिए बेटा, ऐसे एटम्स जिनके वैलेंस शेल यानी आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो इन्हें अपना आउटर शेल पूरा करना होगा। जिसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, उसे 7 इलेक्ट्रॉन मजीद चाहिए, जिसमें 2 है उसे 6 इलेक्ट्रॉन मजीद चाहिए, जिसमें 3 है उसे 5 चाहिए। तो 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करना इज अ डिफिकल्ट टास्क, एक मुश्किल काम है, एज कंपेयर टू लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना आखिरी शेल कंप्लीट कर लेगा,
यानी सात इलेक्ट्रॉन को गेन करने की बजाय ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज कर देगा। और जैसे ही कोई भी एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस पर चार्ज क्या आ जाता है, प्लस प्लस वन चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपना दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो उसके ऊपर चार्ज आएगा टू प्लस, सिमिलरली थ्री इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो थ्री प्लस। व्हेन एन एटम लूजेज इट्स इलेक्ट्रॉन्स दिस विल फॉर्म अ कैटायनिक स्पीशी, एक कैटायन बनाएगा। ठीक है बेटा, अच्छा कैटायनिक स्पीशीज जब भी बनती हैं, हम कैटायन बनाते हैं तो उसमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है या हमें एनर्जी मिलती है, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा या एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। एंडोथर्मिक वो रिएक्शन होते हैं जिनमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है, यानी हमें हीट देनी पड़ेगी या कोई एनर्जी देनी पड़ेगी एटम को, जबकि एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होते हैं जिसमें एटम हमें हीट देता है, हमें मिलेगी हीट। ठीक है बेटा, अच्छा किसी भी एटम में हमेशा याद रखें, जब भी आपने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो एटम अपने इलेक्ट्रॉन कभी नहीं देता, एटम अपने इलेक्ट्रॉन कभी नहीं देता। जिस तरह से आपके पास एक मुर्गी है और उसके चूजे हैं, तो आप उन चूजों को अगर उठाना चाहेंगे तो मुर्गी कभी आपको चूजे नहीं उठाने देगी, क्लियर। इसी तरह एटम में से जब आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन आप जब भी निकालेंगे एटम रेजिस्ट करेगा, एटम इलेक्ट्रॉन नहीं निकालने देगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लड़ाई करनी पड़ेगी एटम से, उसके साथ एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जब भी आप एनर्जी देंगे आपको कौन सा प्रोसेस लिखेंगे, एंडोथर्मिक लिखेंगे। तो जब हम प्रोडक्शन ऑफ कैटायन की बात करते हैं तो हमारे पास कैटायन जो होता है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी इसके लिए हमें एनर्जी खुद से देनी पड़ती है, क्लियर। उसके बाद रीजन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एन नाइन कब बनते हैं, When an atom gain one or more electrons, जब कोई एटम एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। अच्छा यहां पे मैंने ये सिचुएशन लिखी थी, अब अगर मैं लिखूं कि किसी एटम के अंदर पांच इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, छह हैं या सात हैं, तीन सिचुएशन बना दी मैंने। अगर फाइव इलेक्ट्रॉन है तो उसे थ्री इलेक्ट्रॉन मजीद चाहिए, दो कंडीशन हो सकती है, या फाइव को लूज कर दे या थ्री को गेन कर ले। तो फाइव को लूज करने से बेहतर है वो तीन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन कर लेगा। इसी तरह से सिक्स में वो क्या करेगा, टू इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, सेवन में वो वन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जब भी कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस पर चार्ज क्या जाता है, माइनस वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा ना, उस पर माइनस वन चार्ज आ गया। इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन टू जब एक एटम टू इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो टू माइनस चार्ज, थ्री माइनस चार्ज। अगर कोई भी एटम तीन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो थ्री माइनस, क्लियर बेटा। अच्छा अब हम ये बात करते हैं, जिस तरह हमने ये कहा कि कैटायन की प्रोडक्शन हमेशा एंडोथर्मिक होती है, तो एन नाइन में क्या केस होता है। देखिए हमारे पास जो है वो किसी भी एटम के अंदर फाइव इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिक्स हैं या सेवन है, उसका वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं है, हमने क्या करना है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है। अच्छा ये एटम की मजबूरी है कि उसने अपना ऑक्टेट शेल कंप्लीट करना है, ठीक है। सेवन इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। सेवन इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में और एक उसको चाहिए, एक वैकेंसी पड़ी है, तो भाई एटम ने अपने आप को स्टेबल करना है, इसमें हमारा तो कोई अमल दखल नहीं। तो एटम खुद से एनर्जी लगाएगा और एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, बिल्कुल ऐसे जैसे हम किसी भी शॉप पे जाते हैं, खुद से पैसे देते हैं और अपनी मुकर्रा चीज या अपनी पसंदीदा चीज को जो है वो वहां से खरीद लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही एटम को भी क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। एटम क्या करेगा, अपनी एनर्जी देगा और एक इलेक्ट्रॉन को खरीद लेगा बाहर किसी भी दूसरी स्पीशी से, ठीक है बेटा। जब एक इलेक्ट्रॉन वो खरीदेगा तो हमारे पास हीट आ जाएगी, जब हीट आएगी एटम हमें हीट देगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो पहला इलेक्ट्रॉन जब भी किसी एटम के अंदर ऐड होता है तो हमारे पास प्रोसेस कौन सा होता है, एक्सोथर्मिक। इसी तरह से जब हम दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, यह बात गौर से समझिएगा, किसी भी एटम के अंदर, अच्छा अब मैं सिर्फ ये सिक्स इलेक्ट्रॉन्स वाली एग्जांपल को डिस्कस करूंगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड होने वाली एग्जांपल आपको समझाने के लिए, कि वैलेंस शेल में आपके पास है सिक्स इलेक्ट्रॉन्स, कितने मजीद चाहिए, टू चाहिए। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक ही दफा हड़प कर जाए,
कि दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों एक ही दफा उसने क्या किए ऐड कर लिए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। वन बाय वन, टर्न बाय टर्न, पहले एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा सेवन होंगे, फिर एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा एट होंगे। अच्छा, पहले उसने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया और क्या बन गए, सेवन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अच्छा, सेवन, पहले सिक्स प्रोटॉन थे, सिक्स ही इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, सेवन इलेक्ट्रॉन हो गए। अब सेवन इलेक्ट्रॉन हैं और सिक्स प्रोटॉन है, तो चार्ज किसका ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का ज्यादा है ना। एक इलेक्ट्रॉन जब मजीद इसके अंदर आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, मजीद इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर एंटर नहीं होने देंगे। पहले ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा हो चुकी है, एक इलेक्ट्रॉन जो मजीद हमारे पास आ रहा है, पहले वाले इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये आपको चार्ज नजर आ रहे हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी रिपल्शन को कंट्रोल करने के लिए अब हम एनर्जी देंगे। पहले एटम ने हमें एनर्जी दी, अब हम खुद से इन्हें एनर्जी देंगे। तो हमारे पास एट इलेक्ट्रॉन्स तभी आएंगे जब हम एंडोथर्मिक रिएक्शन करवाएंगे। एंडो मीन्स हमें खुद से एनर्जी देनी पड़ेगी। पहला इलेक्ट्रॉन जब ऐड होता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करने के लिए एटम खुद से एनर्जी देता है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरे में हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन इसलिए होता है कि जो नया इलेक्ट्रॉन पहले ऐड हो चुका है वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो रिपल्शन को कम से कम करने के लिए हम खुद से एनर्जी देंगे, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट द आयंस। इसमें हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, आयन की डेफिनेशन पढ़ी, सम चार्ज है उसके ऊपर, चार्ज कैटाइन यानी पॉजिटिव, एनायन नेगेटिव आयंस। उसके बाद हमने इनकी रीजन पढ़ी है कि प्रोडक्शन ऑफ कैटाइन कब बनता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं किसी भी एटम में से, और एनायन कब बनता है, जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, तब हमारे पास क्या बनते हैं, एनायंस बनते हैं। और फिर कौन सा है एंडोथर्मिक है, कौन सा एक्सोथर्मिक है, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉलिक्यूलर आयंस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद आइसोटोप्स की तरफ चलेंगे। ओके जनाब, अल्लाह हाफिज़।